उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें देश की कुल आबादी की 16.4% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से उत्तर प्रदेश का बहुत अधिक महत्व है। 1947 से लेकर 2020 तक सबसे अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुने गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में जानकारी और उनकी विशेषताओं से परिचित होना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। वर्तमान 2020 में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश को प्रशासन की सुविधा के लिए 18 मंडलों, 75 जिलों, 316 तहसीलों, 821 विकास खंडों, 915 कस्बों, 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषदों, 438 नगर पंचायतें तथा 1,06,774 गांव जैसी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 तथा शहरी जनसंख्या 4,44,95,063 है। उत्तर प्रदेश की 77.73% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि 22.27% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, जिसकी जनसंख्या 59,54,391 है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद ही है, जिसकी कुल ग्रामीण जनसंख्या 44,81,518 है। इलाहाबाद की कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 2.9% है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक शहरी या नगरीय जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो गाजियाबाद जिला में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या रहती है। गाजियाबाद की शहरी जनसंख्या 31,62,547 है। गाजियाबाद की शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या का 7.1% है। उत्तर प्रदेश के जिलों की जनसंख्या विवरण में बहुत असमानता है। इसके कारण इन जिलों की जनसंख्या घनत्व में भी असमानता पाई जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे किसी भी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, जिसका जनघनत्व 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला वाराणसी है। वहीं यदि उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम 242 है। 2001 के जनगणना में भी इन जिलों का यही क्रम था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो दोस्तों, ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बेल का आइकन देख रहे हैं, इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।